और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में काउंटिंग लगातार जारी है। आपको बता दें कि हरियाणा के रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिल चुका है, बीजेपी हरियाणा में कांग्रेस से पिछड़ी है और कांग्रेस ने रुझानों में पार किया 62 का आंकड़ा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बीजेपी 22 सीटों पर सिमटी हुई नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर बहुमत के आंकड़े को कांग्रेस ने पार कर दिया है और बीजेपी जो है केवल 22 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। देखिए, एक तरफ बीजेपी ये दावा कर रही थी कि एक तरफा जो है उनकी सरकार बनने जा रही है और तीसरी बार बीजेपी रिकॉर्ड कायम करने जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। बीजेपी देखिए 22 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। और जैसे कि अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए, जैसे एग्जिट पोल भी कह रहा था कि कांग्रेस हरियाणा में बढ़त बनाए हुए है, और ठीक वैसा ही आपको बता दें, कांग्रेस जो है अपने बहुमत के आंकड़े से बहुत आगे निकल गई है। देखिए 90 विधानसभा सीटें हरियाणा में है, और देखिए अगर आपको यहाँ सरकार बनानी है तो कम से कम आपको 46 सीटें यहाँ पर जरूरी होती है, यानी कि बहुमत का जो आंकड़ा है वो 46 सीटों का है। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस यहाँ पर 46 सीटों से बेहद आगे निकल चुकी है और बीजेपी केवल 22 सीटों पर सिमट गई है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, साथ ही साथ आपको हरियाणा और जम्मू कश्मीर के भी जो है सीटें दिखा रहे हैं कि किसके खाते में कितनी सीटें गई हैं। अब चलिए हरियाणा की बात कर लें तो बीजेपी से 22 सीटें, कांग्रेस की 63 सीटें, और साथ ही साथ देखिए कांग्रेस की तस्वीरें, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तस्वीरें भी सामने आ चुकी है और एक जश्न का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है। देखिए ढोल नगाड़े और किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता नाचते हुए नजर आ रहे हैं, हाथों में राहुल गांधी के पोस्टर लिए हुए नजर आ रहे हैं, हाथों में झंडा लिए हुए, कांग्रेस का जो झंडा है वो लिए हुए हाथों में नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां पर जश्न का माहौल इस वक्त कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। अब एक बार आपको सीट्स भी दिखा देते हैं कि किसके खाते में आखिर कितनी सीटें गई। देखिए हरियाणा का जिक्र करते हैं, हरियाणा बेहद दिलचस्प इस वक्त बना हुआ है। हरियाणा की अगर बात कर ली जाए, बीजेपी इस वक्त 24 यानी कि 24 सीटें इस वक्त बीजेपी के खाते में है, कांग्रेस के खाते में 61 सीटें आती हुई नजर आ रही है, यानी कि बहुमत के आंकड़े से बहुत आगे कांग्रेस निकल गई है। जसपा की अगर बात कर ली जाए तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर खाता जो है जसपा का नहीं खुला हुआ है। अन्य की अगर बात करें तो अन्य के खाते में भी 4 सीटें हैं। वहीं अब जम्मू कश्मीर में आ जाइए, देखिए जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो बीजेपी के खाते में 27 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस प्लस एनसी यानी, क्योंकि देखिए ये अलायंस में थे, ये गठबंधन में थे, 46 इनका आंकड़ा बताया जा रहा है कि 46 सीटों पर एनसी और कांग्रेस इस वक्त है। हरियाणा विधानसभा चुनावों के बाद आज मतगणना का काम शुरू हो रहा है। 90 विधानसभा सीटों पर जो मतदान हुआ है उसके बाद आज मतगणना होगी। मैं इस समय फरीदाबाद की बड़कल विधानसभा सीट की जहां पर मतगणना होनी है वहां पर मौजूद हूं। दौलत राम यूनिवर्सिटी, देखिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, पुलिस बलों को लगाया गया है, क्योंकि चुनाव आयोग ने तीन लेयर की जो सुरक्षा है उसकी व्यवस्था की गई है। आगे पूरा ब्लॉक किया हुआ है, अगर मेरे इधर बाईं तरफ देखेंगे तो आगे से तकरीबन 200 मीटर से जो रोड है उसको ब्लॉक कर दिया है। एक सड़क जो है, ये दोनों सड़क जो है ये इधर नीलम चौक की तरफ जाती हैं आगे, और उसके बाद फिर दिल्ली में जो दिल्ली के लिए एक्सप्रेसवे बना हुआ है उसकी तरफ चले जाते हैं। ये सड़क जो है, ये सड़क पूरी तरीके से प्रतिबंधित होगी आम लोगों के लिए, केवल जिन लोगों को अनुमति होगी उन्हीं को आना होगा। उसके अलावा पुलिस के जो अधिकारी हैं वो लगाए गए हैं, सुरक्षा के जो एजेंट हैं उनके आने का सिलसिला अंदर शुरू हो गया है। मतगणना का काम 8 बजे शुरू हो चुका है, और किस तरीके से परिणाम आगे आते हैं, सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, बेहतर रहे, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक के परिणाम आए हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस बढ़त बनाती हुई दिख रही है। लेकिन क्योंकि परिणाम होते हैं, जब पर्दा उठेगा आज क्या पिटारा निकलता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। 12 बजे के आसपास तक लगता है जो चुनाव आयोग के जो संभावना जो व्यक्त की जा रही है विश्लेषकों द्वारा, तकरीबन 12 बजे के आसपास ये मतगणना जो है ये पूरी होने की संभावना की जा रही है। रुझान 10 बजे के आसपास आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हुए हैं। तमाम जो मतगणना स्थल पर जो मतगणना के लिए जो कर्मचारी लगाए गए हैं वो अंदर हैं, उसके अलावा जो उम्मीदवार हैं उनके एजेंट भी अंदर कहीं ना कहीं इस मतगणना में शरीक होते हुए दिखेंगे। कैमरा पर्सन अजय के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, बड़कल फरीदाबाद हरियाणा।
ठीक है, चलिए अपडेट ले लेते हैं। हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। राजकुमार, क्या कुछ जानकारी मिल रही है आज? देखिए, चाहे फिर जम्मू कश्मीर की बात हो या फिर हरियाणा की बात हो, सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर बहुमत का ये आंकड़ा कौन छूता है, क्या तस्वीर है और किस तरीके से, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज्यादा सियासी हलचल देखने को मिलती है नतीजे सामने आए तो। ऐसे में जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उस हिसाब से कैसी हलचल? देखिये उन्नति, स्वाभाविक तौर पर आज कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के सबसे शानदार प्रदेश हरियाणा और हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर मतगणना का काम शुरू हो गया है। जिस तरीके से पिछले 3 दिनों से जो डिबेट्स और जिस तरीके के रुझान और जिस तरीके की संभावनाएं व्यक्त किया, देखिए राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है, व्यक्त की जा रही है, आज स्वाभाविक तौर पर उसका पिटारा खुलेगा। और देखिए लोकतंत्र में कितनी बड़ी ताकत होती है, ये मैं जहाँ पे मौजूद हूँ, ये खान दौलत राम धर्मशाला एक बहुत पुरानी धर्मशाला है और एक खान साहब हुआ करते थे, उन्होंने इस धर्मशाला का निर्माण किया। मैं अंदर गया तो इस जो धर्मशाला है इस पे बड़कल विधानसभा क्षेत्र जो है उसकी मतगणना होगी, और उसकी मतगणना की यदि बात कर लें तो 12 टेबल लगाई गई हैं और 24 राउंड होंगे। एक टेबल एक बार में अगर हम सहज भाव में बताने का प्रयास करें तो 12 एजेंट, 12 टेबल, 12 टेबलों पर एक मशीन खुलेगी, वो मशीन बताएगी कि उसमें कितनी वोट पड़ी थी, उसकी तस्दीक होगी, उसके बाद पहले कैंडिडेट को, दूसरे कैंडिडेट को, तीसरे कैंडिडेट को कितनी वोटें मिली, उस तरीके से मतगणना का काम शुरू होगा। 24 राउंड होंगे, अंदर तमाम जो एजेंट्स हैं वो एजेंट्स लगे हुए हैं, भेज दिए गए हैं, उम्मीदवार जो हैं वो बैठे हुए हैं। मैं अगर बाहर का एक बार नज़ारा दिखाऊं उन्नति, तो देखिए यहाँ ये जो बड़कल विधानसभा क्षेत्र है इसमें विजय प्रताप सिंह चुनाव मैदान में हैं, और विजय प्रताप सिंह पिछली बार बहुत छोटे मार्जिन से तकरीबन 2500 वोटों से चुनाव लूज कर गए थे। लेकिन अगर इनके राजनीतिक परिवार की बात करें तो इनके पिता कई बार आधा दर्जन से बार विधायक रहे हैं। महेंद्र प्रताप सिंह को एक मिनी मुख्यमंत्री के तौर पर हरियाणा की राजनीति में जाना जाता है, मिनी हुड्डा के तौर पर उन्हें जाना जाता है, और बहुत सहज भाव से इस क्षेत्र में यदि बात करें तो लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं। 5-5 मंत्रालय उनके पास रहे और हरियाणा में कैबिनेट मंत्री रहे, आधा दर्जन से बार वो विधायक रहे। अभी फिलहाल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो चुनाव था उसमें महेंद्र प्रताप सिंह फरीदाबाद विधानसभा सीट से, लोकसभा सीट से उम्मीदवार थे और बड़ा शानदार चुनाव हुआ। कृष्णपाल गुर्जर जो इस समय केंद्रीय मंत्री हैं वो चुनाव जीते और वो चुनाव लूज कर गए महेंद्र प्रताप सिंह। अब उनके सुपुत्र जो है वो यहाँ से चुनाव मैदान में हैं, ये बड़खल विधानसभा क्षेत्र है। और विजय प्रताप सिंह की एक बात जरूर मानी जाती है, क्योंकि अगर लोगों के बीच में जाते हैं तो बहुत सहज भाव से उनकी माता, उनका पिता, मतलब उनके घर का दरवाज़ा जो है वो कभी लॉक नहीं होता, हमेशा खुला रहता है। लोग अगर बाद में भी बात करते हैं तो विजय प्रताप के आगे विजय ना लगा के विजय भाई कहते हैं। तो भाई के मायने अगर बात करें हम महाराष्ट्र की, बॉम्बे की बात करें तो भाई के मायने अलग होते हैं, लेकिन हरियाणा में भाई के मायने थोड़ा अलग लगाए जाते हैं। अगर आपने जिस तरीके से देखा लोग समर्थक जो है आए हुए हैं, बैलेट पेपर जो है वो खुले हैं, बैलेट पेपरों में जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो है वो पौबारा होती हुई दिख रही है। लेकिन जिस तरीके से सूरज चढ़ेगा, जिस तरीके से राजनीति का तापमान जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा, देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरीके के परिणाम सामने आते हैं। हरियाणा की यदि बात कर लें तो हरियाणा में नेक टू नेक फाइट, क्योंकि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे सत्ता में है। राजकुमार में ही बात कर ली जाए, देखिए अगर रुझानों की बात करें, जो रुझान इस वक्त सामने है तो देखिए हरियाणा में कांग्रेस ने बढ़त बना ली है और अपने बहुमत के आंकड़े से बेहद आगे जो है कांग्रेस निकल गई। वहीं अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी एनसी और कांग्रेस जो है बढ़त बनाते हुए नजर आई। बात अभी हरियाणा की यहाँ पर चल रही है, जिस सीट पर इस वक्त आप मौजूद हैं, क्या स्थानीय मुद्दे यहाँ के रहे? देखिए निशा, सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर हरियाणा की हम बात करें तो हरियाणा में कहीं ना कहीं एक जाल्ट पॉलिटिक्स की रीढ़ तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, और भारतीय जनता पार्टी ने एक मैसेज देने का प्रयास किया कि केवल एक जाति जो है उस जाति के बलबूते चीज़ें नहीं चल सकती, क्योंकि हरियाणा को हमेशा जाट बाहुल्य क्षेत्र माना गया है, और जहाँ बाहुल्यता किसी जाति की होती है तो स्वाभाविक तौर पर अदर जो बिरादर होती है उसके अदर जो जातियाँ होती हैं उनके अंदर एक थोड़ी सी कुंठा की भावना होती है, और भारतीय जनता पार्टी ने इसका पूरी तरीके से उपयोग किया। 10 साल तक उन्होंने 2 बार उनकी सरकार रही, और मनोहर लाल खट्टर जो है वो पंजाबी समुदाय से आते हैं, RSS की उनकी बैकग्राउंड रही है, उन्होंने 9 साल से ज़्यादा यहाँ पे
शासन को चलाया। जब उन्हें अंतिम पद पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव हुए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने तो केंद्र में उन्हें जगह दी गई, लेकिन खट्टर के बाद अगर सत्ता दी गई तो वो कहीं ना कहीं नायब सैनी को दी गई। सैनी को दी गई तो एक जाट कम्युनिटी जो है उसके बीच में कहीं ना कहीं उसके मन में एक इस बात की जगह हुई कि कहीं हमारा नेतृत्व भी होना चाहिए। और हुड्डा को हमेशा कांग्रेस की राजनीति में और एक जाट राजनीति, क्योंकि अगर निशा हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में पार्टी पॉलिटिक्स के अलावा परिवार की पॉलिटिक्स भी, एक समय तीन लालों की बात होती थी, देवी लाल, भजन लाल, बंसी लाल। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस गठबंधन को रुझानों में बहुमत। तो ये बड़ी तस्वीर, 49 सीटों पर एनसी और कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी तस्वीर, बीजेपी 27 सीटों पर आगे चल रही है। तो जो तस्वीर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से, वो भी आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस का क्योंकि गठबंधन है, ऐसे में रुझानों में बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। 49 सीटों पर एनसी और कांग्रेस के प्रत्याशी बढ़त के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी 27 सीटों पर आगे चल रही है फिलहाल। तो जम्मू कश्मीर का ये चुनाव भी बेहद ही ज्यादा दिलचस्प रहा है, और ऐसे में आज नतीजों का दिन, जो रुझान है वो ये संकेत दे रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। 49 सीटों पर एनसी और कांग्रेस के प्रत्याशी आगे हैं, बीजेपी 27 सीटों पर आगे चल रही है। तो ये बड़ी तस्वीर सामने आई है जम्मू कश्मीर से, और लगातार हमारे वरिष्ठ संवाददाता भी जुड़े हुए, उन्होंने भी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। लगातार आप नजर बना के रखिएगा राजकुमार जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी तस्वीर, बीजेपी 27 सीटों पर आगे चल रही है जम्मू कश्मीर की, ये जो शुरुआती रुझान है वो सामने आए हैं, और उसमें एनसी कांग्रेस गठबंधन को बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। तो 46 का जो ये जादुई आंकड़ा है वो कौन पार करता है, ये देखना बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। हालांकि जो शुरुआती रुझान है वो यही संकेत दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में कांग्रेस जो है शुरुआती रुझान में बहुमत का आंकड़ा छू रही है, लेकिन क्योंकि अभी बैलेट पेपर से काउंटिंग हो रही है और ऐसे में ईवीएम की पेटी खुलती है, क्या उससे नतीजे सामने आते हैं ये भी देखना बेहद ही ज्यादा दिलचस्प रहेगा। तो ये टैली के माध्यम से भी आपको दिखा रहे हैं कि क्या आंकड़ा फिलहाल बना हुआ है। एक तरफ जम्मू कश्मीर के आंकड़े आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी 32, कांग्रेस एनसी 47 पर, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा की अगर बात करें तो 27 जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस 58 पर, अन्य को 4 मिलती हुई नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें बेहद ही खास हो जाती हैं क्योंकि आज नतीजों का दिन है, और ये दो राज्य बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर में, क्योंकि लगातार स्टेटहुड दिलाने की जो बात की जा रही है, चाहे फिर एनसी और कांग्रेस जब भी राहुल गांधी घाटी में पहुंचे उन्होंने कहा है स्टेटहुड हम वापस लाकर रहेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं बड़े मुद्दे जब सामने रखे गए हैं इन दिग्गजों की तरफ से, उसका क्या प्रभाव आवाम पर पड़ा है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। और क्योंकि देखिए निशा, हम लोग हमेशा देखते थे जम्मू कश्मीर का अगर इतिहास देखें तो कहीं ना कहीं चुनाव को बहिष्कार किया जाता था, लेकिन इस बार तस्वीर बदली हुई नजर आई और बड़ी तादाद में वोटिंग परसेंटेज सामने आया है। दिखाता है कि कहीं ना कहीं आशा के साथ लबरेज है जम्मू कश्मीर की आवाम, और इसीलिए अपने घरों से निकली और मतदान करने पहुंची है। लेकिन बड़ा सवाल अब यहां पर यह है कि आखिर वो किस आशा के साथ पहुंचे हैं, और ऐसे में वो आशा उनकी कौन पूर्ण कर सकता है, किस पर वो भरोसा जताते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल उन्नति, और देखिए जिस तरीके से अब रिजल्ट भी सामने आ रहे हैं और कांग्रेस लगातार बढ़त बनाए हुए भी है, ये हरियाणा की जनता को और जम्मू कश्मीर की जनता को प्रणाम करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं और अपनी लीडरशिप को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। लीडरशिप का मार्गदर्शन, उनके स्पष्ट दिशा निर्देशन और जिस तरीके की नीतियां प्रतिपादित की गई उनके कारण आज ये संभव हुआ है, और ये परिवर्तन की शुरुआत है, ये बिगनिंग है, और ये शुरुआत जो है अब थमेगी नहीं, निरंतर आप देखेगा इसके बाद महाराष्ट्र में, फिर झारखंड में भी हमारा गठबंधन जीतेगा, और फिर आने वाले चुनाव में दिल्ली आदि सब जगह जो है जो हमारे गठबंधन के साथ रहेगा या हमारे कांग्रेस रहेगी जहाँ वहाँ जीत होगी, क्योंकि लोग अब कांग्रेस को एक मानस बन गया है लोगों का, नहीं भाई देखो इनको हमने बहुत दिया और इनको हराया जा सकता है। पहले लोग ये समझ रहे थे 400 पार के नारे पर कि इनको हराया नहीं जा सकता, अब लोग समझ गए हैं कि इनको रोका भी जा सकता है और इनको हराया भी जा सकता है, और अब लोग हरा रहे हैं। देखिए इसके जो जिस तरीके की नकारात्मक राजनीति
भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार कर रही है, ये उसका परिणाम है। और कांग्रेस एक सकारात्मक एजेंडे के साथ खड़ी है। मैं राहुल गांधी जी को और खड़गे साहब को प्रणाम करना चाहता हूं, उन्होंने एक सकारात्मक एजेंडा कांग्रेस के लोगों को दिया है। और आज भाजपा की नकारात्मकता, केंद्र सरकार की नकारात्मकता बनाम कांग्रेस की सकारात्मकता के बीच में लोग चुन रहे हैं। और देखो, जम्मू कश्मीर की जनता ने भी हमारी सकारात्मकता को, हमारे गठबंधन की सकारात्मकता को चुना है और चुन रही है। और हरियाणा के अंदर भी, हरियाणा के अंदर तो जो है भूतों ने भविष्य थी, हम लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ जा रहे हैं। अभी रुझान चाहे 55-60 पर दिखा रहे हो आगे, और मेरा मानना है कि ये 70 के करीब जाएगा। और चलिए, हरीश रावत को सुन रहे थे आप। और अब चर्चा के लिए तमाम गेस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता मनीष पांडे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता मुन्ना खान जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार अनीता चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार मनोज कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। मनीष पांडे जी, सीधा आपके पास आते हुए, मनीष पांडे जी क्या हो गया? बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि एक तरफा सरकार हम बनाने जा रहे हैं, कांग्रेस तो टाटा बाय बाय करते हुए बहुत आगे पहुंच गई है। मनीष जी, आवाज मिल रही है सर आपको? चलिए ठीक है, शायद कुछ आवाज में प्रॉब्लम आ रही है। मुन्ना खान जी, आवाज मिल रही है सर आपको? बिल्कुल, बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से आवाज मिल रही है। हाँ, तो क्या कहेंगे? देखिए, बहुमत के आंकड़े को बहुत आगे जो है, बहुमत के आंकड़े को पार करके आप पहुंच गए, क्या कहेंगे? देखिए, लगातार जिस तरीके से 6 महीने से जो हरियाणा की जनता हो या जम्मू कश्मीर की जनता हो, इन्होंने मन बना लिया था कि कहीं ना कहीं हमें पार्टी का चुनाव करना है और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी है। आप आज जो रुझानों में जो दिख रहा है, आज साफ तौर पे कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। ये फैसला 6 महीने पहले हरियाणा की जनता ने कर लिया था कि कांग्रेस को ही लाना, क्योंकि 10 साल से जिस तरीके से लगातार हरियाणा के अंदर हो या जम्मू कश्मीर के अंदर हो, जिस तरीके से युवा बेरोजगार हो रहे थे, किसान परेशान हो रहे थे, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे थे, तो जनता ने उसी टाइम मन बना लिया था। बार बार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हो, या कुमारी शैलजा जी हो, या रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, सब ने यही कहा कि हरियाणा की जनता ने इस बार मन बना लिया है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, और वो स्पष्ट रुझानों में दिखता नजर आ रहा है। तो मैं सबसे पहले आपको और आपके टीम को बधाई देना चाहता हूं, दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन रही है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि राज्य दर राज्य जिस तरीके से बीजेपी हारती जा रही है, अब ये निर्णय जनता ने पूरे देश में लिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी कीमत पर न राज्य में न केंद्र में बनेगी। अब जब बन गई कोई बात नहीं, क्योंकि इनके लच्छेदार भाषणों में देश की जनता के साथ, देश के युवाओं के साथ, देश के किसान के साथ, देश के महिलाओं के साथ, जो इन्हें लच्छेदार भाषणों में जो गुमराह करने की कोशिश किए, तो जनता अब उब चुकी है इनके बातों से, क्योंकि ये बातों में तो बहुत विकास की बात करते, धरातल पे कुछ नहीं होता। और यही रिजल्ट है कि जम्मू एंड कश्मीर हो या हरियाणा हो, वहां पे कांग्रेस की सरकार बन रही है, और बहुत ही मजबूती के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी, और ये अपने वादे पूरे करेगी। जिस तरीके से वादे, जो मैनिफेस्टो में जो वादे हैं, वो वादे पूरी करेगी। इतिहास गवाह है कि जो भी कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो में वादा किया, वो पूरा किया है। क्योंकि हमारी राजनीति, कांग्रेस पार्टी की राजनीति, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा एक अलग विचारधारा है। इस विचारधारा में न शमशान है, कब्रिस्तान है, न हिंदुस्तान है, न पाकिस्तान है, कुछ भी नहीं है। हम बात करते हैं युवाओं के रोजगार की, महिलाओं के सुरक्षा की, व्यापारियों की व्यापार की, किसानों की आय की। ये हमारी शुरू से विचारधारा के अंदर रहा है। हम हमेशा से युवाओं की, पीड़ित की, शोषित की, वंचित की बात करते हैं, और यही वजह है कि जम्मू एंड कश्मीर हो या हरियाणा हो, वहाँ कांग्रेस की सरकार बन रही है। ठीक है, काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं और गदगद है भी, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जिट पोल से ही आपको संकेत मिलने शुरू हो गए थे, ये बेहतर बात है आपके लिए। ठीक है, इससे पहले कि और भी रुख करें, आपका रुख करती हूँ मैं, मनोज कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, जरा स्थिति समझाइए, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं हरियाणा में ये समझा जा रहा था खासतौर से कि वोटों का बिखराव होगा, जिस तरीके से गठबंधन भी अलग अलग बनते हुए नजर आए, INLD का हो या फिर JJP का हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तब तस्वीर सामने आई है और कहीं ना कहीं नॉन जाट वोट भी कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आया है। ऐसे में ये जो तस्वीर बनी है, वो क्या संकेत दे रही है, क्या संदेश बीजेपी के लिए, क्या संदेश कांग्रेस के लिए?
जहाँ तक अगर संदेश की अगर हम बात करें तो 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसी में एक इंडिकेशन दे दिया गया था कि जी जो है कांग्रेस की सरकार आने वाली है। अगर वोट परसेंटेज की भी अगर बात करें तो लोकसभा इलेक्शन में भी जो है कांग्रेस का वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी से आगे था, तो एक इंडिकेशन तो था ही। और इस बार जो है हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि किस तरह से नॉन ओबीसी वोट या नॉन जाट वोट को अपने ओर आकर्षित करें, चाहे एससी वोट को अपने ओर आकर्षित करें, तो हालांकि ऐसा जिस तरह से एग्जिट पोल आया और अभी जो भी रुझान आ रहा है उसमें देखा जा रहा है कि लगभग 57 सीट पे कांग्रेस आगे चल रही है, तो इससे लग रहा है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी ने स्ट्रेटजी अपनाया शायद उनके फेवर में नहीं गया। वहीं अगर इनके पिछले 10 साल की अगर हम बात करें तो इन्होंने जिस तरह से हरियाणा में फार्मर एजिटेशन हुआ, चाहे रेसलर्स का एजिटेशन हुआ, अगर परिवार पहचान पत्र की अगर हम बात करें, चाहे प्रॉपर्टी आईडी की अगर हम बात करें, पोर्टल्स की बात करें, लगभग 300 पोर्टल्स जो है पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने इंट्रोड्यूस किया और उनको शायद रिव्यू नहीं किया कि एक्चुअल जो है ग्राउंड पे इसका स्टेटस क्या है, उनको जानना चाहिए था। एक और बड़ी मुद्दा रही ई टेंडर की, अगर हम बात करें तो ई टेंडिंग भी एक बहुत बड़ी मुद्दा रही। सरपंचों ने लगभग पिछले 1-2 साल से हरियाणा में प्रोटेस्ट कर रही है और भारतीय जनता की पार्टी की सरकार ने उनसे वार्ता तक भी नहीं कर पाया। हालांकि पिछले 3 मंथ पहले जो भी नायब सिंह सैनी आए थे उन्होंने कुछ ई टेंडरिंग में जो लिमिट था उनको बढ़ाया गया, तो कुछ कोशिश किया। एक और मैं बात करना चाह रहा हूँ कि सेंटर गवर्नमेंट बोल रही है कि मैंने जीएसटी इम्प्लीमेंट किया। जीएसटी कलेक्शन तो बढ़ रहा है, इंडिया में भी बढ़ रहा है, हरियाणा में भी बढ़ रहा बिल्कुल है, देखिए कई लेकिन मुद्दे लोगों कई ना ने कई काम किए हैं और इस जादुई आंकड़े तक पहुंचना आसान नहीं था कांग्रेस के लिए भी। ऐसे में मेहनत की गई है और साथ ही साथ बीजेपी को भी अब इससे काफी कुछ समझने की जरूरत है। ठीक है, आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ, लौटेंगे चर्चा में। फिलहाल अनुक्रिय छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तमाम गेस्ट इस वक्त मेरे साथ बने हुए। उन्नति, आज एक गाना बड़ा याद आ रहा है मुझे, क्या हुआ तेरा वादा। चलिए वादे को साइड करते हैं, दावे की बात करते हैं। मनीष पांडे जी, यही मेरा आपसे सवाल है, क्या हुआ तेरा दावा, जरा बताइए। एक तरफा सरकार बनने की बात कर रहे थे आप, मनीष जी। देखिए ऐसा है कि अभी मुझे लगता है कि जो बैलेट के बाद जो वोटों की गिनती शुरू हुई है उसको अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है, और ऐसे में मैं देख रहा हूँ कि जिस प्रकार से हरियाणा में हमारी सीटें आप ही के स्क्रीन पर कम आ रही थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी, और अन्य की सीटें भी जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि वो डायरेक्ट कांग्रेस और बीजेपी के बीच में वो मुकाबला दिख रहा है। तो अभी कुछ खास जितना मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था कि उस हिसाब से कह रहे थे कि जो हमारी विचारधारा है ना कब्रिस्तान वाली है ना पाकिस्तान वाली है, उन्होंने कहा कि ना ही हिंदुस्तान वाली है। देखिए पूरा चुनाव जो है लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, या कांग्रेस की ये यही विचारधारा जो है वो फाइनल विचारधारा है कि ना वो हिंदुस्तान वाली विचारधारा है ना पाकिस्तान वाली है ना कब्रिस्तान वाली, जब जैसा हो वैसा चुनाव में प्रोपगेंडा फैलाना, मुद्दों को इधर से उधर करना, झूठे वादे करना और चीजों को डाइल्यूट करना, ये कांग्रेस की विचार है, जो भी जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कहा, आप लोगों ने भी सुना हो। मैं स्पष्ट जानता हूं कि बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए लड़ रही है, ठीक है। अभी जो शुरुआती रुझान आपका है वो बीजेपी के पक्ष में, बहुमत के पक्ष में नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि बीजेपी हरियाणा में 26 सीटों पर आगे चल रही है। अभी कुछ भी इस पर कहना मुझे लगता है कि जल्दीबाजी होगा। जम्मू कश्मीर में भी जो रुझान है, जम्मू कश्मीर में
भारतीय जनता पार्टी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है यह, और यह भी शुरुआती रुझान। देखिए, हमने जो काम किए हैं वह काम की ही यह बानगी है कि आज इतने प्रोपगेंडा के बाद भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। ठीक है, सीटों का आंकड़ा कम दिख रहा है, मैं उस बात को स्वीकार करूंगा, मैं डिनाई भी नहीं कर सकता क्योंकि यह अभी 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 सेकंड भर के लिए यह कड़वा सच है जी, लेकिन यह शुरुआती रुझान है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल, लेकिन देखिए शुरुआती रुझान ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं टेंशन वाली बात तो है दोनों ही जगह आप लोग के लिए, और आप लोग हालांकि उम्मीद कर रहे हैं तो उम्मीद रखना अच्छी बात है। ठीक है, इंतजार कर लेते हैं उसका भी। अनीता चौधरी जी, सीधा आपके पास आती हूँ, और क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी देखिए लगातार कांग्रेस और एनसी का जो गठबंधन है वो आगे चल रहा है, शुरुआती रुझान में ही सही, लेकिन फिलहाल क्योंकि जम्मू कश्मीर में कई बड़े मुद्दे थे, स्टेटहुड का मुद्दा था, धारा 370 का मुद्दा था, डेवलपमेंट का मुद्दा था, इन तमाम मुद्दों के बाद आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी कहां डिफॉल्ट में रही, कौन सी पार्टी के लिए कौन सी चीज फेवरेबल रही? देखिए, जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजों में मैं कहूंगी कि अगर बीजेपी 28 सीट पे और अन्य जो है वो 9 सीट पे भी आगे हैं तो बीजेपी की बढ़त है, जीत है ये जी। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का की जो जनता है, जम्मू कश्मीर का जो डेमोग्राफी है वो बीजेपी के पक्ष में नहीं है। 370 के बाद जम्मू कश्मीर में जो शांति आई है, जो विकास हुआ है, हम उसके नतीजे के तौर पे बीजेपी को 28 सीटें के रूप में हम देख रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की कैलकुलेशन जो है बिल्कुल अलग है, हम उसको अन्य राज्यों से नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव है 10 सालों के बाद, और 370 को लेकर के एक अजीब सी नैरेटिव वहां पे सेट की गई है कि 370 मानो उनके उनका अजीज हो जो छिन गया हो, उसके बाद उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी। तो विपक्ष के तौर पे चाहे एनसी और कांग्रेस की बात करें, मैं फिर एक बार कांग्रेस के भी प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हुए हैं कि कम से कम जम्मू कश्मीर में 370 को लेकर के जो राजनीति है वो नहीं होनी चाहिए। ये देश हित में नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के हित में है या नहीं है, वहाँ की डेमोग्राफी के हित में है या नहीं है, लेकिन ये देश हित में नहीं है, इससे सीधा फायदा पाकिस्तान को पहुंचता है। इसलिए लेकिन फिर भी 28 सीटों पे अगर बीजेपी आगे है तो ये जीत है बीजेपी के लिए, क्योंकि वहां की डेमोग्राफी चाहे कितना भी काम कर लेगी, इस देश के मुसलमान जो है वो बीजेपी को कभी भी वोट नहीं देने वाले हैं, और कितने परसेंट वोट मिले बीजेपी को हमने लोकसभा चुनाव में देखा, कहीं पे 4 कहीं पे 5 मुसलमान जो है वो वोट देते हुए नजर आए, तो ऐसे में वहां पे बीजेपी की सरकार बनेगी ये उम्मीद ही बेमायने है। बीजेपी को सीटें आ रही हैं, इसका मतलब जम्मू कश्मीर की बयार जो है बदल गई है। हाँ, हरियाणा की बात जरूर है, हरियाणा में बीजेपी का अगर हम इस बैलेट पेपर को भी देख रहे हैं जहाँ पे बीजेपी पीछे नजर आ रही है, तो ये हरियाणा में बीजेपी की हार होगी, और बीजेपी कहीं ना कहीं, ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि बीजेपी ने वहां पे काम नहीं किया, जैसा कि मैं पहले देख रही थी कि जीएसटी को लेकर के और बाकी मुद्दों को लेकर के बात की जा रही थी, आज जीएसटी जो है पूरे विश्व में जहां जहां जीएसटी लागू हुआ वहां वहां पे वो फेलियर रहा, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसकी जीएसटी की रूपरेखा को आज पूरा विश्व जो है लोहा मान रहा है। जीएसटी कलेक्शन जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा जो रीढ़ है वो माना जा रहा है, और इससे कहीं ना कहीं जो टैक्स चोरी होती थी उस पे भी लगाम लग रहा है, हालांकि 100% लगाम लगा है ऐसा नहीं कह सकते हैं। आम आदमी को परेशानी, लेकिन सिस्टम में ढलते ढलते लोग ढल जाते हैं, नए सिस्टम को अडेप्ट करना ही पड़ता है। अगर हमें एक साफ सुथरा और भ्रष्टाचार मुक्त समाज चाहिए होता है, उसके लिहाज में अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि अन्य सीटें जो है, यानी कि जो मैंने पहले भी इसी चैनल पे एक डिबेट में कहा था कि जम्मू कश्मीर जो है वो बदलाव देख रहा है, वो बफर जोन में है और उस बदलाव में वो अपने लोगों को तलाश रहा है जो उनकी बातों को रखे, और वो अन्य के रूप में आपको नजर आ रहा है। देखिए धीरे धीरे अभी बैलेट पेपर की ही काउंटिंग चल रही है, ये जम्मू कश्मीर के जनता जो वहाँ रह रहे हैं उनकी काउंटिंग अभी शुरू नहीं हुई है, जो बाहरी लोग हैं उनकी काउंटिंग चल रही है, उसमें भी अन्य जो कि इंडिपेंडेंट और बाकी जो पार्टियां छोटी मोटी पार्टियां उनके कैंडिडेट हैं उनको भी 11 सीटें आ रही हैं। इसका मतलब क्योंकि ये रूढ़िवादी वहां पे जड़े जिनकी बनी हुई है, एनसी और कांग्रेस की अगर बात करें, पीडीपी की बात करें, पीडीपी तो बुरी तरह से फेलियर हो चुकी है जम्मू कश्मीर में, तो ये वो लोग हैं जिनके अपने कैडर हैं, लेकिन अन्य जो अभी 4 महीने पहले 6 महीने पहले 2 साल पहले जिन्होंने अपनी पार्टी को बनाया है उनको भी अगर 11 सीटें मिल रही हैं तो बदलाव के मूड में जनता तो जम्मू कश्मीर की है, लेकिन उनके पास ऑप्शंस नहीं है।
वो चेहरे नहीं है जिनको वो बदलाव के रूप में सशक्त देख रहे हो और उस सशक्त चेहरों में वो अपने आवाज को पा रहे हो। यही वजह है कि शायद जो एनसी और कांग्रेस की जो ठीक है आप देख रहे हैं 47 सीटों पे वो नजर आ रही है, लेकिन अगर जी बीजेपी को और अन्य को जोड़ दे तो डिफरेंस बहुत ज्यादा। वापस आपके पास मैं आऊंगी, मुन्ना खान जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुन्ना खान जी, अगर आपने बीजेपी के प्रवक्ता को सुना होगा तो वो कह रहे हैं, हरियाणा की मैं बात कर रही हूँ, देखिए वो कह रहे हैं अभी भी कांटे की टक्कर है हम लोगों के बीच में। देखिए 35 पर बीजेपी है, 50 में आप लोग है, पूरे 15 सीटों का अंतर है और कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर है और इस पे जवाब दीजिएगा। और साथ ही साथ देखिए कौन सा संदेश था जो जनता के बीच आप देने में सफल रहे, आप चाहे लोकसभा की बात कर ली जाए, देखिए 5 सीटें आप लोगों के खाते में थी। इस बार अगर विधानसभा की मैं बात करूं तो बहुत अच्छा जो है आपका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तो वो कौन सा मैसेज आप जनता तक देने में सफल रहे जिसका परिणाम इस तरीके से देखने को मिल रहा है? देखिए पहले तो मैं शुरुआत करूंगा, आपने कहा था कि मुझे एक गाना याद आ रहा है, तो मुझे एक शेर याद आ रहा है कि दरिया तेरी खैर नहीं, दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान समझ बुजदिल इसको लहरों ने बगावत कर ली है, हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, अरे नादान अरे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। तो जिस तरीके से अब रुझान आ रहे हैं तो देश की जनता में अब ये मैसेज जा चुका है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी विश्वास खोती नजर आ रही है। आपने सवाल किया कि आपने क्या संदेश दिया, हमने सिर्फ सच्चाई का संदेश दिया, सच सच बोलने का संदेश दिया, सच के साथ जाने का संदेश दिया और सच्चाई के साथ सरकार बनाने का संदेश दिया, और सरकार बनने के बाद उसी सच के साथ हम युवा के विकास करने की बात की, महिलाओं की सुरक्षा की बात की, व्यापारियों की व्यापारी की बात की, व्यापारियों की व्यापार की बात की। जिस तरीके से देखिए हरियाणा में मुद्दा बार बार कह रहे जीएसटी का था, जीएसटी का नहीं था, हरियाणा में सिर्फ 3 मुद्दे थे, जवान, पहलवान और किसान, और तीनों मुद्दों के साथ कांग्रेस पार्टी ने वह कैंपेन शुरू किया और हमने बूथ स्तर तक जाकर के जनता से संवाद किया, हमने बूथ स्तर तक जाकर जनता से संवाद किया, किसान से संवाद किया, महिलाओं से संवाद किया, पहलवान से संवाद किया कि देखिए जो सुरक्षा नेतृत्व में आपको दी गई, जो सुरक्षा, जो व्यापार, जिस तरीके से युवाओं को रोजगार 2005 से लगातार 2014 तक हुड्डा जी के नेतृत्व में दी गई, क्या आपको 10 साल में मिले? तो जनता का जवाब आता था नहीं, हमें विकास नहीं मिले, हमें सिर्फ जुमले मिले, हमें रोजगार नहीं मिला, हमें सिर्फ जुमले मिले। मनीष जी, आप लोगों ने सिर्फ जुमले दिए हैं, आप लोगों ने रोजगार नहीं दिया है, और वाकई कहीं ना कहीं किसान, पहलवान और ये नौजवान का मुद्दा हरियाणा में क्या आप लोग पर भारी पड़ा है? देखिए मैं कांग्रेस प्रवक्ता को सुन रहा था, ये उसी पार्टी के प्रवक्ता है जिसका नेता 99 सीट लाकर बहुत खुश होता है, तो इनकी खुशी जायज है। ये बीजेपी को जिस प्रकार से कोस रहे हैं, तो आप प्रदर्शन पर नजर डालें, राहुल गांधी को प्रचार के लिए प्रियंका गांधी की जरूरत पड़ी, क्योंकि कांग्रेस को भी यह पता था कि राहुल गांधी के नाम पर अब भीड़ जुटने वाली नहीं है, तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का संयुक्त रोड शो हुआ, प्रचार हुआ, ताकि कम से कम प्रियंका जी को देखने के लिए भीड़ जुटे। ये कह रहे थे किसान जवान का मुद्दा, हम सभी लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से प्रोपगंडा हुआ किसान आंदोलन के नाम पर, कांग्रेस किस प्रकार से पीछे से खड़ी रही, अभी तो एक पार्टी तो का नाम ही नहीं आ रहा। मनीष जी, आप कह रहे थे कि राहुल को प्रियंका की जरूरत पड़ी, उनके बिना लग नहीं रहा था कि कुछ हो पाएगा, उन्हें उसकी जरूरत पड़ी, आपको भी तो हर चुनाव में प्रधानमंत्री की जरूरत पड़ती है, वो तो हमारे सर्वमान्य नेता, ये भी उन्हीं के ही है। बहुत अच्छा, देखिए दोनों में फर्क सर, वो आपकी स्ट्रेटजी है, ये उनकी स्ट्रेटजी है। मेरी बात, हाँ ठीक है, स्ट्रेटजी है, मैं कांग्रेस की स्ट्रेटजी पर मैं तो सवाल खड़ा करूंगा, मैं तो सिर्फ इन्होंने जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो वक्तव्य दिया, मैं थोड़ा सा उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जिस प्रकार से खुश हो रहे हैं, जो अभी आपने कहा, अभी देखिए जम्मू कश्मीर की जो चीजें आ रही है, ये मिलकर 47 सीटों पर है रुझान इनका आ रहा है, और हम अकेले 26 सीटों पर है वहां पर। मैं ये बात नहीं कह रहा, आप जिस प्रकार से रिजल्ट की बात कर रहे हैं, अभी शुरुआती रुझानों में भी अगर आप देखेंगे, बीजेपी देखिए हरियाणा में 38 सीटों पर आ गई, कांग्रेस 2 घट रही है,
देखिए ये बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं जबकि सच्चाई बिल्कुल, देखिए अति आत्मविश्वास किसी को भी नहीं रखना चाहिए क्योंकि अति आत्मविश्वास हानिकारक ही होता है, यूपी में हम लोगों ने देखा है। और मुन्ना खान जी आपसे भी कहूंगी अति आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए, आत्मविश्वास बेहतर है। लेकिन इसी के साथ अनीता चौधरी जी आपके पास आ रही हूँ, आपको किसी चीज से आपत्ति थी, लेकिन इसी के साथ मुझे जरा जम्मू कश्मीर की भी तस्वीर समझाइएगा क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्थिति जम्मू कश्मीर में बनती हुई नजर आ रही है ऐसा लग रहा है कि आवाम ने बहुत कुछ सोच समझ कर मतदान करने जब जनता पहुंची है, ऐसे में क्या उनके मन में रहा होगा क्योंकि इतने समय बाद 2014 के बाद धारा 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव हुआ वहां पर। देखिए हम सभी को सिर्फ इस बात की खुशी होनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर में जब चुनाव हुआ तो वहां की जनता ने इस संविधान पे देश के जो सिस्टम है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंस्टीट्यूशन है उस पे अपना विश्वास जताया और पहली बार 2024 के हम लोकसभा चुनाव में भी देखे और विधानसभा चुनाव में भी देखे कि पहली बार जनता इतनी बड़ी तादाद में निकली और वोट उन्होंने कास्ट किया। तो सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर की जनता को इस बात के लिए बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने 370 के इस बदलाव को स्वीकार किया और इस देश में अपनी सरकार चुनने के लिए बड़ी तादाद में घर से बाहर निकले और उन्होंने वोट कास्ट किया, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, बदलाव जो है 370 वहां पे नकारा गया पूरी तरह से, इसको हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि हम जिस तरह से बीजेपी की के नंबर्स देख रहे हैं, सीटों के नंबर देख रहे हैं और अन्य जो 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 चाहे वो निर्दलीय हो चाहे छोटी मोटी पार्टियां हो वहां की रीजनल पार्टियां, उनको देख रहे हैं जो अभी अभी इमर्ज हुई है, उनको जिस तरह से नंबर आ रहे हैं उसे साफ नजर आता है कि वहां पे जनता बदलाव चाहती थी लेकिन वो चेहरा शायद उनको नहीं मिल पा रहा था जिसको वो अपना नेता मान ले और उस नेता के नाम पे वो वोट कास्ट करें। रही बात डेमोग्राफी की, जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी कभी भी बीजेपी को सपोर्ट नहीं करती है। बीजेपी जम्मू में अगर उनको नंबर्स मिल भी जाएंगे तो कश्मीर में वो नंबर्स लाना बहुत ही मुश्किल काम है बीजेपी के लिए क्योंकि कश्मीर में लगभग 99% जो डेमोग्राफी है वो मुस्लिम समुदाय की है। चाहे बीजेपी उनके लिए कितना भी काम करे लेकिन एक अजीब सा उनके मन में बीजेपी के लिए नफरत बैठा हुआ है जो उसको वो रिस्ट्रिक्ट करता है कि वो बीजेपी को अपने विकास के लिए, अपने उत्थान के लिए वोट करे। वो सारी चीजें ले लेंगे कि वोट नहीं करेंगे क्योंकि सरकार उनको बीजेपी की नहीं चाहिए। ठीक है मनीष जी, शायद आप कुछ कहना चाह रहे हैं। सर मैं आ रही हूँ आपके पास लेकिन उससे पहले मैं मुन्ना खान जी के पास एक बार जाऊंगी। मुन्ना खान जी एक बार हमारी टेलीविजन, अच्छा ठीक है वो शायद हमारे साथ नहीं है। ठीक है मनीष पांडे जी कुछ कह रहे थे आप। नहीं मैं इसमें एक छोटी सी बातें ऐड करना चाहूंगा कि देखिए आज कांग्रेस के लोग वहां जिससे भी समझौता कर लें लेकिन अगर आज राहुल गांधी की रैलियां वहां होती हैं जम्मू कश्मीर के अंदर में तो उसका बहुत बड़ा जो वो क्रेडिट जाएगा वो वहाँ की सरकार जो अभी वहाँ पर काम कर रही है और खास करके केंद्र की सरकार जिसने वहाँ ऐसे माहौल बनाए हैं कि कोई भी व्यक्ति खुल के बिना बुलेट प्रूफ बिना राइफलों के साये में वहाँ जाकर रैलियां कर सके और अपनी बात को आपको रोकना चाहूंगी। इसी बीच अनिल विज क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। पर फर्क भी होगा पर उससे सारे चुनाव में फर्क पड़ गया ऐसा मैं नहीं मानता। नहीं अभी फैक्ट्री खोली नहीं राहुल गांधी जी ने, अभी उसका ताला लगा हुआ है, देखते हैं अभी वो उठे होंगे आएंगे फैक्ट्री खोलेंगे फिर जनरेटर स्टार्ट करेंगे फिर उसमें से धुआं निकलेगा फिर देखते हैं जलेबी आती है। सब इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों में अभी भी बीजेपी आगे चल रही है। हाँ हाँ ऐसे ही रहेगा आप देखना होगी। अभी ये जो है ना जिस वक्त ये रिजल्ट बताए जा रहे थे उस वक्त अभी पोस्टल बैलेट गिने भी नहीं गए थे, उस वक्त तो पोस्टल बैलेटों की स्कैनिंग हो रही थी, प्रोसेस है। पहले पोस्टल बैलेट खुलते हैं फिर उनकी स्कैनिंग होती है फिर काउंटिंग होती है। अब एक राउंड खुल चुका है दूसरे पर गिनती हो रही है। ठीक है ना जी, बीजेपी की सरकार बन जाएगी अंत में जब नतीजे आ रहे हैं क्योंकि अभी आगे हो गई है बीजेपी 38 पर बीजेपी है 31 पर कांग्रेस है इलेक्शन कमीशन। हाँ हाँ बिल्कुल 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 हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी विल फेयर वेल। सर आप काउंटिंग सेंटर पे नहीं गए काफी रिलैक्स लग रहे हैं। नहीं मैं कभी नहीं जाता, मैं तो सर्टिफिकेट लेने जाऊंगा।
उसी वक्त ही जाता हूँ मैं। मेरा चुनाव मेरे कार्यकर्ता लड़ते हैं, मेरे शहर की जनता लड़ती है और जश्न भी मेरे शहर की जनता ही मनाती है हर बार। मैं तो शामिल हो जाता हूँ। मुख्यमंत्री के पद पर अभी भी दावेदारी है आपकी? नहीं, देखिए जो कहे हुए शब्द है वो कभी वापस नहीं लिए जाते, जो कहा हुआ वो कहा हुआ। चलिए एक मिनट हमारे साथ बातचीत करने फिर अगर आपने मेरी बात सुनो जस्ट ये मिनट ना इतने सारों को बोलना बड़ा मुश्किल है। आपने एक एक करना है ना, मैं अभी टी पॉइंट पे जा रहा हूँ, आ जाओ आपको चाय भी पिलाते हैं वहाँ पे। सवाल अंबाला कैंट से बीजेपी के प्रत्याशी अनिल विज बड़े ही बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे। और देखिए अभी हरियाणा से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, कांग्रेस मुख्यालय की ये तस्वीरें हैं जहां देखिए किस तरीके से विक्ट्री साइन दिखाया जा रहा है। शुरुआती रुझान से ही गदगद कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है, तो लेकिन लड्डू खा भी रहे हैं। और निशा देखिए जो अभी जिक्र अनिल विज करके गए हैं कि लड्डू को जलेबी से रिप्लेस किया जा रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर तो फिलहाल लड्डू ही है, ये बेहतर बात है। और देखिए सभी के चेहरों पर मुस्कान है और कुछ भी देखिए पासा पलट भी सकता है, हालांकि ज्यादा मार्जिन नहीं रहेगा, लेकिन फिलहाल इंतजार फाइनल नतीजों का ही किया जा रहा है। ये शुरुआती रुझान में जो आंकड़ा सामने आया है, देखिए हरियाणा की भी स्थिति, बीजेपी 45 और 42 का आंकड़ा, ये जो मार्जिन हम बहुत ज्यादा देख रहे थे निशा, वो कम होता जा रहा है बिल्कुल। और इसी के साथ अगर जम्मू कश्मीर की तस्वीर की भी बात करें तो सोचने का विषय ये है कि अन्य को देखिए 16 मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जो अन्य का गेम जम्मू कश्मीर में देखने को मिला था लोकसभा चुनाव में भी, कि इतने बड़े बड़े नेता को बारामूला से हरा दिया गया था, 2 लाख से ज्यादा का मार्जिन करीब रहा था, ऐसे में अन्य कहीं ना कहीं ये खेल जो है और ज्यादा दिलचस्प बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और शुरुआती रुझान के बाद अब जैसे जैसे ये मार्जिन कम होता जा रहा है, ये और ज्यादा दिलचस्प कहीं ना कहीं इस पूरे मतगणना को बना रहा है। उन्नति देखिए जिस तरीके से हरियाणा का अगर मैं जिक्र करूं, जो टैली में इस वक्त आंकड़े चल रहे हैं, देखिए एकदम से ये आंकड़े पलट गए हैं। अभी तक जो एक बड़ा मार्जिन हमें दिख रहा था कि नहीं कांग्रेस जो है अपने बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है, लेकिन अभी स्थितियां बिल्कुल उल्टी है। देखिए जहां पर लड्डू और जलेबी को रिप्लेस करने की बात की जा रही थी, वहां पर लग रहा है कि वापस से लड्डू जो है वापस से बरकरार है। चलिए वापस डिबेट में लौटते हैं। मनीष जी देखिए वापस से आंकड़े चेंज हो गए हैं, इस पर भी आप जवाब दीजिएगा। और शायद आप कुछ कह रहे थे सर, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। कह रहा था वही बात कि देखिए जम्मू कश्मीर में जो हालात हुए, आज अगर कांग्रेस के लोग और राहुल गांधी वहां जाकर सभाएं कर पा रहे, बता दें जरा सा 370 के पहले कब राहुल गांधी जाकर उस प्रकार से सभाएं किए थे या कांग्रेस के नेता किए थे। तो हालात बदले हैं और इसीलिए वहां पर भाजपा की स्वीकार्यता बढ़ी है। जीते चाहे कोई वो विषय अलग है, लेकिन हमें इस बात का भरोसा है, इस बात का हमें सुकून है कि हमने काम किए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। और अब हरियाणा पर अगर हम आते हैं, आऊंगी मुन्ना खान जी, तो आंकड़े आपके सामने है। मैंने शुरू में ही अपने वक्तव्य में कहा था कि देखिए यह शुरुआती रुझान है, अगर भारतीय जनता पार्टी 10 वर्षों के शासन में इतना ही बुरा की होती तो आज ये आंकड़े ऊपर नीचे नहीं हो रहे होते। ठीक है, फाइनल परिणाम क्या आएगा ठीक है। देखिए कहीं ना कहीं आप लोग एक एक जीत का जो टारगेट सेट कर रहे थे और उसके बाद आप लोग कहीं ना कहीं संतोषजनक स्थिति में शिफ्ट हुए हैं, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल बिल्कुल संतोषजनक फैक्टर आप समझा रहे हैं। मुन्ना खान जी आपके पास आऊंगी, लेकिन क्योंकि मनोज कुमार जी से दूसरा कमेंट नहीं हो पाया है, मनोज जी आपके पास आऊंगी। फिलहाल ये जो मार्जिन कम होता हुआ नजर आ रहा है और जैसे जैसे रुझान जो है सामने आ रहे हैं, क्या फिलहाल हरियाणा में स्थिति आपको बनती हुई नजर आ रही है? क्योंकि अभी दावपेच बहुत ज्यादा बाकी है, अगर आज नतीजे सामने आ जाते हैं तो दोनों ही पार्टियों के लिए जंग आगे रहेगी कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्योंकि उसकी भी काफी ज्यादा सियासी लड़ाई हम लोगों ने हरियाणा में देखी है। देखिए एग्जिट पोल का ये करामत है कि कल से या आज सुबह से ही जो है कांग्रेस भवन में जो है लड्डू बढ़ना स्टार्ट हो गया जी। और जहां तक पोस्टल बैलेट की अगर बात करें तो नॉर्मली ये देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को पोस्टल बैलेट में जो है ज्यादा मिलती है, तो इस बार भी हालांकि कि लगभग 60 सीट पे कांग्रेस आगे थी और धीरे धीरे घटके अभी 42-45 पे हो गया है, तो ये बात तो देखा जा रहा है। लेकिन अब जैसे जैसे अब रुझान आगे जाएगा तो वैसे वैसे जो है क्लियर होते जाएगा। और जहाँ तक आपसे आपने एक वादा पे आप कुछ बोल रहे थे, तो मैं भी एक बोल दूं कि नॉर्मली इलेक्शन के समय और या मैनिफेस्टो के फॉर्म में पार्टी जो है वादा करती है, लेकिन जो हमारे यहाँ एक बॉलीवुड में एक गाना भी है कि वादा तेरा वादा वादे
पे तेरे मारा गया बंदा मैं हूँ सीधा साधा। तो ये जो है वोटर्स के लिए जब वोट हो जाता है तो वोटर्स को बस यही मिलता है कि चलो मैं अब सीधा साधा ही रह गया। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, जो अगर 2014 की भी अगर हम बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 15 लाख रुपया सभी के अकाउंट में डाल देंगे, चाहे आप ले लीजिए 2 करोड़ जो है लगभग हम जॉब दे देंगे हर साल लोगों को। तो जो भी पार्टी जीते, अगर कांग्रेस भी अगर जीतती है तो उनके लिए भी कोई बड़ा जो है आसान होने वाला नहीं है। जैसे अब लीगल गारंटी ऑफ MSP कहें ऑन ऑल क्रॉप्स, अगर ड्रग्स एलिमिनेशन की अगर हम बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें, चाहे 6,000 ओल्ड एज पेंशन की अगर बात करें, अग्निवीर की अगर बात करें, तो बहुत से ऐसे मुद्दे। 2,000 रुपया महिलाओं को बोला गया कि हम अकाउंट में हम डालेंगे, 300 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी भी हम देंगे। तो इतना वादा कांग्रेस पार्टी भी कर चुकी है, इनके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। JJP ने जो है ओल्ड एज पेंशन 5,000 रुपया 2019 में बोला था और देखिए 3,000 पे ही जाके अटक गया। तो ये एक बात है। अब देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का रुझान आते जाएगा वैसे वैसे और क्लियर होते जाएगा। हालांकि अभी तो क्लोज कहा जा सकता है, अगर भारतीय जनता पार्टी 45 और कांग्रेस 42 पे है तो इसको क्लोज भी माना जा सकता है, क्योंकि बैलेट वोट्स में जो है भारतीय जनता पार्टी नॉर्मली पिछले जो भी 10-20 साल के अगर रुझान की भी अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी नॉर्मली आगे रहती है। चलिए ठीक है, मुन्ना खान जी देखिए जो स्माइल आपके चेहरे पर थी वो शायद शिफ्ट हो गई है और बीजेपी की तरफ खिसक गई ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। पहले मैं अपने प्रवक्ता मित्र हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता हैं, उनके सवालों का मैं जवाब दूं। ये बार बार राहुल गांधी करते हैं, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी करके आपके 10 साल आपकी दुकान चल गई मित्र हमारे, अब नहीं चलने वाली, क्योंकि वो राहुल गांधी आप सुन तो ले, अब वो आप सुन तो ले राहुल गांधी ने खुद कहा है कि मैं वो राहुल गांधी नहीं हूँ, मैं बदल चुका हूँ। उन्होंने जिस तरीके से उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम जो भारत का भ्रमण करने का काम किया, जो पैदल यात्रा चलने का काम किया, जो भारत जोड़ने की बात की है उन्होंने, तब वो राहुल गांधी नहीं है। आपने 15 से 20 हजार करोड़ रुपया खर्च किया उसे अपरिपक्व करने के लिए और उसपे अपशब्द कहने के लिए। उसने सिर्फ 1.5 महीने 45 दिनों के अंदर जितने भी आपके थे वो सारे धराशायी हो गए, तब वो राहुल गांधी नहीं है। दूसरा सवाल मैं ये कह रहा हूँ, ये बार बार भारतीय जनता पार्टी कह रही है हमने विकास किया, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर विकास किया तो आज हरियाणा में या जम्मू एंड कश्मीर में सिर्फ जुमलों की बात नहीं होती, आज वहाँ की जनता से पूछे तो विकास की कोई बात नहीं। इनकी चलिए ठीक है, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, अब ठीक है थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, आप सब लोग बने रहिएगा हमारे साथ, ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर आगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।